आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया है। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए, हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है, लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच भी उम्मीद की किरण की बात कैसे कह रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथियों, लाइफस्टाइल डिसीज हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है, और ये कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है। सरकार तो एक कैटलिक एजेंट के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक प्रकार से हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए, ये हर परिवार की चर्चा का विषय बनना चाहिए। अगर व्यापारी हर महीने हिसाब लगाता है कितनी कमाई की, शिक्षा में रुचि रखने वाले परिवार में चर्चा करता है बेटों को कितना मार्क्स आया, उसी प्रकार से परिवार के अंदर सहज रूप से शारीरिक श्रम, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल फिटनेस, ये रोजमर्रा की जिंदगी के चर्चा के विषय बनने चाहिए। और साथियों, भारत में ही अचानक इस तरह की जरूरत महसूस हुई हो ऐसा नहीं है। समय के साथ ये बदलाव सिर्फ भारत में ही आ रहा है ऐसा भी नहीं है, पूरे विश्व में आज इस तरह के अभियानों की जरूरत महसूस की जा रही है। अनेक देश अपने यहां फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। हमारे पड़ोस में चीन हेल्दी चाइना 2030 इसको मिशन मोड में काम कर रहा है, यानी 2030 तक चाइना का हर नागरिक तंदुरुस्त हो इसके उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और इनएक्टिव यानी आलसीपन जो है कुछ करना धरना नहीं, उस स्वभाव को बदलने के लिए उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक देश के 15% नागरिकों को ये आलस से बाहर निकाल करके फिटनेस के लिए एक्टिव करने के लिए हम काम करेंगे। ब्रिटेन में जोर शोर से अभियान चल रहा है कि 2020 तक 5 लाख नए लोग डेली एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़े, ये उन्होंने टारगेट तय किया है। अमेरिका 2021 तक अपने 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है। जर्मनी में भी फिट इंस्टीट्यूट ऑफ फैट, फिट इंस्टीट्यूट ऑफ फैट इसका बड़ा अभियान चल रहा है। साथियों, मैंने आपको कुछ ही देशों के नाम गिनाए हैं,
अनेक देश बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर चुके हैं। इन सारे देशों में लोग फिटनेस की जरूरत को समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यहां विशेष अभियान शुरू किए हैं। सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं, बल्कि पूरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा। नया भारत का हर नागरिक फिट रहे, अपनी ऊर्जा बीमारियों के इलाज में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाए, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा।